बुलढाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर 49 वर्षीय विजय भाके इन्हें रूही शर्मा नामक आरोपी ने फोन द्वारा लोन का लालच देकर प्रोसेसिंग चार्जेस के नाम पर 15,72,654 रुपए लूट लिए। जैसे ही फरियादी विजय भाके को अपने साथ होने वाले इस धोखाधड़ी का पता चला, उन्होंने हुड़केश्वर थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है। फरियादी बुलढाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर के रूप में कार्यरत है। इन्हें 3 दिसंबर 2019 को एक रूही शर्मा नामक लड़की का फोन आया था। वो फ्यूचर फाइनेंशियल सर्विसेज से बात कर रही है, ऐसा बताकर उसने फरियादी को 7 लाख रुपयों का लोन दिए जाने की बात कही। इसके चलते उसने झूठे लोन अग्रीमेंट का PDF व्हाट्सएप पर भी भेजा और सारी बातें सच मानकर फरियादी ने उस पर विश्वास कर लिया। उसके बाद फरियादी को 5 अलग अलग लोगों ने इंश्योरेंस, NOC, GST के नाम पर पैसों की मांग करना शुरू कर दिया। पहले आरोपी ने 7 लाख का लोन बताकर फिर वो रकम बढ़ाकर 14 लाख कर दी और फिर फरियादी को 11 लोगों के अकाउंट नंबर दिए गए जिसमें उनको पैसे भरने थे। फरियादी ने भी इन अकाउंट में कुल 15,72,654 रुपए भरे। हुड़केश्वर थाना अंतर्गत कार्यरत पुलिस निरीक्षक कविता निखारकर ने लोगों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराते हुए कहा कि ऑनलाइन व्यवहार करना गलत नहीं है, लेकिन आपको उसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति आपसे इस तरह की बातें करता है या आपकी जानकारी निकालने की कोशिश करता है तो आप स्वयं उसका पता लगाए बिना कोई ऑनलाइन व्यवहार न करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे पहचाने। अगर ऐसी घटना सामने आती है तो ऐसे व्यक्तियों से सामने आमने मिलकर सच्चाई का पता लगाए और ये याद रखे कि किसी भी राशि का लोन लेते समय 10-15% के ऊपर पैसे भरने की कोई जरूरत नहीं होती। लोन के प्रामाणिक कागजात हो तो ही विश्वास रखे। 3 दिन पहले हमने एक गुना दाखिल किया, एक विजय भाके करके है जो मैनेजर है बुलढाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में। इनके साथ ऐसा हुआ था कि इनको 3 दिसंबर 2019 में एक कॉल आया था, रूही शर्मा करके लड़की थी, उसने बताया था कि वो फ्यूचर फाइनेंशियल सर्विसेज से है और 7 लाख रुपए का आपको लोन दिया जाएगा। और उसने जो लोन एग्रीमेंट था वो PDF उनको व्हाट्सएप पे भेजा। इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इनको 5 लोगों ने, अलग अलग 5 लोगों ने अलग अलग बार फ़ोन करके इनको बताया कि भाई आपके लोन का हो रहा है तो आपका इंश्योरेंस निकालना, इंश्योरेंस की फ़ी लगेगी, NOC लगेगा, GST लगेगा। ऐसे अलग अलग हेड्स के अंदर इनको पैसे मांगे और 11 लोगों के नंबर दिए, अकाउंट नंबर, जिसमें इन्होंने पैसे भरे। पहले इनको 7 लाख रुपए का बताया गया लोन और बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने 14 लाख का किया लोन। उनको एक पैसे का भी ना देते हुए इन्हीं से अलग अलग हेड्स के अंदर 11 लोगों के अकाउंट में 15,72,654 रुपये डेबिट करवाए हैं। तो इस तरीके से उनकी चीटिंग हुई है। जी जी, बिल्कुल सही है। हम हमेशा बोलते हैं आप ऑनलाइन व्यवहार कीजिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपको उस व्यवहार के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है कि मैं ये हूँ, तो मैंने हमेशा बोला है, चाहे पर्सनली हो, चाहे आपके घर पे आने वाला कोई इंसान हो या चाहे फ़ोन पे बताने वाला इंसान हो, उसकी ऑथेंटिसिटी पहले चेक करना, ये आपकी पहली जिम्मेदारी है। फिर अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आ रहा है तो वो ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट आ रहा है वो सही जगह से आ रहा है क्या, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। और इन सारे व्यवहार में कभी ना कभी आप उसको मिल लो या पहली बार उसको मिल लो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सामने आने के बाद आपको सच्चाई समझ में आती है। कोई भी ऑनलाइन व्यवहार करने से पहले 10 बार सोचिए। और अगर मुझे 7 लाख का लोन मांग दिया जा रहा है या किसी भी अमाउंट का आपको कोई लोन या इस तरीके की, तो आप ये समझ लीजिए कि 10 या 15% से ज़्यादा किसी तरीके की कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो ये गलत है। आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा कि कितने अमाउंट के लिए मुझे कितनी फ़ीस की ज़रूरत है। वो कागज़ पे लिखा होना चाहिए और वो कागज़ ऑथेंटिक होना चाहिए। उसके अनुसार अगर आप अपना काम करते हैं तो आपके साथ इस तरीके के वाक्या कभी नहीं होंगे। VKB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट।